नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की वोटिंग और रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 13 नवंबर को एक चरण में 7 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित होगा। इसके साथ ही 23 से 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे और 30 अक्टूबर तक नाम वापसी का समय दिया गया है। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टक्कर काफी दिलचस्प रह सकती है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियां सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक के बाद भी तबादलों के खेल पर शिक्षा विभाग को कुछ ही देर में बैकफुट पर आना पड़ा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल, व्याख्याता और तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादला सूची जारी की गई थी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर तुरंत तबादला आदेश को निरस्त करने की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा के पत्र लिखने के कुछ देर बाद ही शिक्षा विभाग की ओर से तीनों तबादला सूचियों को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। राजस्थान में उपचुनाव वाली 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने मंगलवार को AICC इंचार्ज के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 3 नेताओं को जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें चिरंजीवी राव, ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान का नाम शामिल है। नोटिफिकेशन के अनुसार एक सप्ताह पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारे चिरंजीवी राव राजस्थान की झुंझुनू, खींवसर और रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह ऋत्विक मकवाना सलुम्बर और 84 विधानसभा में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं पूनम पासवान दौसा व देवली उनियारा विधानसभा सीट की जिम्मेदारी देखेंगी। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार किसी राजनीतिक पार्टी से टकराव नहीं, सीधा खाकी से टकराव की वजह से गुड़ा सुर्खियों में हैं। एक धरने में पहुंचे राजेंद्र गुड़ा की एक पुलिस अधिकारी से कहासुनी हुई। ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पुलिस अधिकारियों और जनता को बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि बाद में राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि वह जनता की आवाज उठाने के लिए धरने पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस अधिकारी अपनी अधर्मिता पर अड़े हुए थे। SI भर्ती के भविष्य का अंतिम फैसला CM भजन लाल को करना है। एक पक्ष जहां इसको रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है, तो वहीं ट्रेनी SI के परिजन भी पिछले एक सप्ताह से भर्ती रद्द नहीं करने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर उतरे चुके हैं। कमेटी द्वारा CM को भर्ती की रिपोर्ट सिफारिश भेजने के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने CM भजन लाल को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर भर्ती रद्द की जाती है तो ट्रेनी SI के परिजन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते हुए आमरण अनशन करेंगे। SI भर्ती पर बनी कमेटी की रिपोर्ट में SI भर्ती को रद्द करने की सिफारिश का कमेटी संयोजक जोगाराम पटेल ने खंडन कर दिया है। बीते दिन रिपोर्ट सौंपने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था कि भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की गई है, लेकिन जोगाराम पटेल ने साफ इनकार करते हुए कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी सौंपी गई है, भर्ती को रद्द करने या नहीं करने जैसी कोई सिफारिश नहीं की गई है। प्रदेश में आगामी समय में होने वाली भर्तियों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। राजेंद्र राठौड़ ने BJP कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दिसंबर तक राजस्थान के 1,11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने 5 साल में शासन में जितने पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, उनके आधे पदों पर तो BJP महज 1 साल में ही नियुक्ति पत्र जारी कर रही है, वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। हनुमानगढ़ जिले की धान मंडियों में फसल खरीद अवैध कटौती पर डंडी कांटे में फसल बुआई का किसानों ने विरोध जताया है और इस संबंध में कृषि उपज मंडी समिति सचिव की अध्यक्षता में किसानों और व्यापारियों की बैठक भी हुई। इस दौरान किसानों ने कहा कि धान मंडियों के व्यापारी प्रति क्विंटल फसल खरीद पर 1 से 4 किलो तक की कटौती कर रहे हैं, जिससे किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। साथ ही व्यापारी धर्म कांटे की बजाय डंडी कांटे से फसल तोल रहे हैं, जिससे भी किसानों को नुकसान हो रहा है। बैठक के बाद व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की और समस्या समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजधानी जयपुर में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवती को न्याय दिलाने के लिए लोगों के साथ साथ अब नेता भी आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने पीड़ित के पक्ष में आवाज उठाई है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया X के जरिए राज्य सरकार से पीड़िता को बेहतर इलाज और मुहैया कराने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में इस घटना को बेहद निंदनीय, असहनीय और अस्वीकार्य बताया है। इससे पहले NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
हनुमानगढ़ जंक्शन के सतीपुरा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनने के कारण डाइवर्ट हुए यातायात को लेकर ट्रक यूनियन पदाधिकारियों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान ट्रक यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि सतीपुरा मार्ग बंद होने के कारण ट्रक चालकों को शहर से होकर निकलना पड़ रहा है और यातायात पुलिस ट्रक चालकों पर कार्रवाई कर रही है। इस दौरान ट्रक यूनियन पदाधिकारियों ने सुबह और शाम 4 घंटे शहर के ट्रकों को निकालने की मांग रखी। कहा कि फर्टिलाइजर और गेहूं से ट्रकों को न रोका जाए। सतीपुरा के ओवरब्रिज निर्माण के कारण पुलिस द्वारा यातायात डाइवर्ट किया गया है, जिस कारण वाहनों को हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन शहरों से निकलना पड़ रहा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।